लोहे की कढ़ाई में मैंने हाफ कप जितना घी लिया है, देसी घी। उसमें मैं इतना बटर डाल रही हूँ, येलो बटर। इसको गर्म होने देंगे। एक से डेढ़ टेबलस्पून जितना चॉप जिंजर, 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप, फाइनली चॉप। इसको थोड़ा सा चॉपिंग करेंगे। थोड़ा सा सौते करने के बाद, ये जरा से सौते किए, इसको ब्राउन नहीं किया मैंने अभी तक। ये देखिए, जरा से सौते किए। अब इसके अंदर मैं 4 फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ। 4 अनियंस हैं ये। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अदरक और लहसुन के साथ। अनियन को हमने अच्छे से कुक करना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं सॉल्ट भी डाल रही हूँ, पिंच ऑफ सॉल्ट, जिससे ये जल्दी हो जाए। इसको हमें ब्राउन करना है टिल गोल्डन ब्राउन। अनियन अच्छे से कुक होने चाहिए, नहीं तो वो कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, मसाला अच्छा बनेगा नहीं, भुनेगा नहीं, तो वो कच्चा कच्चापन सा लगेगा, वो टेस्टी नहीं लगता बिल्कुल भी। प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम लोग ये फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज डालेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद है, मिर्ची कम खाते हैं, तो ऐसे स्लिट करके डालें, इससे मिर्ची तेज नहीं होगी, इससे तीखापन तेज हो जाता है। ये फाइनली चॉप्ड से, मैं फाइनली चॉप्ड डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। इसको अच्छे से सौते करना है। अभी भी अनियन अभी अच्छे से कुक नहीं हुए हैं, अभी कच्चापन है इसमें। ये देखिए, अभी इतने ब्राउन हुए हैं, काफी ब्राउन हो गए हमारे अनियंस। बट इसको भी हमने और ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। लुक एट द कलर, अभी भी इसको पकाना है हमें। बिल्कुल इस बटर और घी के अंदर इसको फ्राई सा कर लेना। इस स्टेज पे आने के बाद ये अच्छे से कुक हो गए हमारे अनियंस। 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सा पानी डाल रही हूँ जिससे मसाले हमारे जले नहीं। इस मसाले को अब हम इसके साथ पकाएंगे, प्याज और मसालों को थोड़े सा पानी डाल के हम इसको पहले पकाएंगे। अब इस स्टेज में ये पानी देखिए घी ऊपर छूट गया। अब इस स्टेज में मैं 4 हमने अनियंस काटे थे फाइनली चॉप्ड अनियंस, अब 4 ही टोमेटो मैंने प्यूरी बना के रखी हुई है फ्रेश टोमेटोज की, उसको मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है टमाटरों के, टमाटर और प्याज के मसाले को। 1 स्टिक दालचीनी डाल रही हूँ मैं इस टाइम। वन मोटी इलायची, दैट ब्राउन वन। ये 4 से 5 लौंग के टुकड़े हैं। 3 हरी इलायची हैं, ग्रीन इलायची छोटी वाली। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वन टीस्पून कढ़ाही मसाला, 1.5 कर रही हूँ मैं, 1.5 टीस्पून कढ़ाही मसाला। मिक्स इट वेल। देखिए कितना अच्छा छूट गया साइड्स में, मसाला अच्छे से कुक हो गया हमारा। मसाले के अंदर 1 केजी में चिकन डाल रही हूँ। अब हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे मसाले के साथ।
अच्छे से भूनना है इसको। हाई फ्लेम में भूनने से इसके जूसेस लॉक हो जाएंगे। मसाला अच्छे से कोट हो गया है, अभी हाई फ्लेम पे ही पक रहा है ये, भून रहे हैं अभी हम चिकन को। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल रही हूँ मैं इसी टाइम पे, और इसको अच्छे से भूनेंगे अभी। अभी हमारा भून रहा है हाई फ्लेम पे ही है। इसके साथ मैं हरा धनिया विथ स्टेम्स डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसकी भुनाई के टाइम पे ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसके स्टेम्स का फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है धनिया का। इसमें चिकन हमारा ऑलमोस्ट वाइट हो चुका है, इसको वाइट होने तक ही हमें भूनना था। अब मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ, आधा कप जितनी दही है। दही डालने के बाद आप फ्लेम स्लो कर दीजिए जिससे दही फटे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन के साथ। दही अभी हमारी मिक्स भी नहीं हुई है, ये देखिए इसका रोगन कितना अच्छा ऊपर आ रहा है। साइड्स में देखिए इसका रोगन कितनी जल्दी ऊपर आता जा रहा है। अब इसको हम ढक के इसी दही के पानी में ही सिम पे पकाएंगे फॉर 20 मिनट्स। ये लिड लगा के इसको हम पका रहे हैं दही के पानी के अंदर ही, हमने कोई पानी नहीं डाला है, सिर्फ दही का पानी है वो, क्योंकि हम कढ़ाई चिकन बना रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा वाटर नहीं चाहिए। 4 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है, और इसको मैं वापस ढक के अब इसको कुक होने देंगे। उठा रही हूँ, ये देखिए रोगन कितना अच्छा ऊपर है, अभी भी इसमें उबाल आ रहे हैं। चिकन उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये हमारा टेंडर हो चुका है चिकन, और जितना मसाला मेरे को चाहिए था मैंने उतना रखा है। आपको इससे कम रखना है ज़्यादा रखना है वो इट्स योर चॉइस, यू कैन डू इट। इसको और भी कम कर दीजिए, एंड इसका रोगन देखिए कितना अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा, इसका रोगन ज़बरदस्त रोगन ऊपर तैर है, लाजवाब कलर है इसका। इसकी जो अरोमा है पूरे घर के अंदर फैली हुई है, बहुत डिलिशियस लग रहा है। देखिए तो सर्व करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका रोगन भी लीजिए साइड से। जब तक रोगन साइड में ना हो वो इतना टैम्पटिंग नहीं अपील करता। ये देखिए इनकी गार्निशिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं थोड़े से जिंजर जूलियंस डाल रही हूँ, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, ये देखिए, एंड बॉइल्ड एग भी मैं इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। ऊपर आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं क्रीम नहीं डाल रही, मेरा रोगन बहुत अच्छा है सो मैं क्रीम नहीं डाल रही हूँ। आप क्रीम भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, फ्रेश क्रीम।